हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रवीण यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी एंड बीसीए डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 2, द सब्जेक्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। एंड टुडेज टॉपिक इज मैक्रोज। बेसिकली हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप फंक्शंस वगैरह यूज करते हो, सब रूटीन्स यूज करते हो, प्रोसीजर्स यूज करते हो, किसी भी फंक्शन, कोई भी आपने फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन के अंदर आप लोग कोई ना कोई पैरामीटर, जिसको कि आप लोग डिफॉल्ट पैरामीटर भी बोलते हो, या कोई और नंबर ऑफ पैरामीटर्स वहां पे हो सकते हैं, फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, और वो वैल्यू जब हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं तो वो वैल्यू प्रोवाइड होने के बाद फंक्शन को वो वैल्यू मिलती है और फंक्शन उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू पे ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। सो ऐसा ही कुछ काम मेरे पास यहाँ पे मैक्रोज का है। मैक्रो को हम लोग डिफाइन करते हैं, मैक्रो के अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे वहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ऐसे यहाँ पे मैक्रोज के अंदर मैक्रो भी होते हैं और हम आर्गुमेंट भी अपने मैक्रोज के अंदर पास कर देते हैं। सो यहाँ पे बेसिक जो डेफिनेशन है मैक्रोज की, मैक्रोज आर यूज टू प्रोवाइड अ प्रोग्राम जनरेशन फैसिलिटी थ्रू मैक्रो एक्सपेंशन। काफी सारी लैंग्वेज जो सपोर्ट करती है मैक्रोज को, जैसे कि आपकी सी है, सी प्लस प्लस भी है, पीएलएल है। सो असेंबली लैंग्वेज जितनी भी होती है वो सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज, जो कि हम मैक्रोज की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेशन क्या है कि इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम जनरेशन थ्रू एक्सपेंशन। अ मैक्रो कंसिस्ट ऑफ, अ मैक्रो क्या क्या कंसिस्ट करती है? मैक्रो नेम, कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स और उसकी बॉडी, देन एंड ऑफ मैक्रो। सो द यूज ऑफ अ मैक्रो नेम इज अ सेट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज रिप्लेस्ड बाय सम कोड जनरेटेड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस इज कॉल्ड मैक्रो एक्सपेंशन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में, आप कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, उस फंक्शन को डिफाइन डिक्लेयर भी करते हो, फिर कहीं डिफाइन भी करते हो, उस फंक्शन को फिर कॉल भी करते हो, और वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस के साथ आप कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑप्शंस है वहाँ पे। किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करके उसमें वैल्यू भी पास करा सकते हो, किसी फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया, बाद में रिक्वायर्ड हुआ तो डिफाइन कर लिया, फिर उसको कॉल कर लिया किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू या डायरेक्ट कॉल कर लिया, तो वो हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिनेरियो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मैक्रोज में भी है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि मुझे अपने प्रोग्राम में बार बार यूज करना है, तो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको मैक्रोज के अंदर डाल देते हैं और उस मैक्रो को हम बार बार कॉल कराते हैं, ना कि मैं वो जो कोड हमने बनाया है उसको कोड को हम बार बार यूज करें। सो यहाँ पे हम एक कोड जो हमने बनाया है, उसी कोड को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में फर्दर कहीं पे यूज करना है, तो मैं उसको मैक्रोज के अंदर डालकर उस मैक्रो को मैं कॉल करा लूंगा और अपना जो मेरा प्रोग्राम होगा मैं उसको उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जीक्यूट करा लूंगा, और जो ये कॉलिंग होगी फिर इसी को हम बोलते हैं मैक्रो एक्सपेंशन टाइप में, कि मैक्रोज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो एक मैक्रो एक्सपेंशन प्रोसेस है आपके पास। क्लासिफिकेशन बेसिकली दो टाइप के हैं यहाँ पे आपके एक्सपेंशन, फर्स्ट इज लेक्सिकल एंड द सेकेंड वन इज सिमेंटिक। सो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ अ करेक्टर स्ट्रिंग बाय अनदर करेक्टर स्ट्रिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम जनरेशन। जिस टाइम पे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो करेक्टर हमारे पास, एक जो करेक्टर स्ट्रिंग हमारे पास है, उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे स्ट्रिंग से, जो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है फॉर्मल पैरामीटर को बाइट्स रिप्लेसिंग द अकरेंस ऑफ फॉर्मल पैरामीटर बाय एक्चुअल पैरामीटर। ये आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज जो भी सी सी प्लस प्लस आप लोगों ने वहां पे पढ़ी भी हुई है। उसके बाद आपके पास है सेकंड वन इज सिमेंटिक एक्सपेंशन। सो यहाँ पे बेसिकली सिमेंटिक एक्सपेंशन क्या है कि जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो उस टाइम पे हमारे पास मैक्रो क्या करता है कि कॉल उस पर्टिकुलर कोड के लिए, जो उस पर्टिकुलर कोड में जो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है, इंस्ट्रक्शन का क्या सीक्वेंस है, कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, क्या ऑप कोड उस इंस्ट्रक्शन के अंदर पास हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपके पास किसके अंदर आती है, आपकी सिमेंटिक एक्सपेंशन के अंदर। सो सिमेंटिक एक्सपेंशन इंप्लाइज जनरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक यूसेज। सिमेंटिक एक्सपेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द डिफरेंट यूज ऑफ मैक्रो कैन लीड टू कोड्स विच डिफर इन द नंबर सीक्वेंस एंड ऑप कोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल, जनरेशन ऑफ टाइप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर मैनिपुलेशन ऑफ बाइट एंड वर्ड ऑपरेंड्स।
सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें कोई एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें एक वैल्यू को हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट कराना है, तो हम कैसे कराते हैं? फर्स्ट हम क्या करते हैं, आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एल्गो वगैरह क्रिएट करते हो, उसके बाद उस पर वर्क करते हो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मेंशन भी है कि कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू इन अ मेमोरी वर्ड बाई कॉन्स्टेंट। मीन्स हम क्या करेंगे, पहले मूव द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी वर्ड इन टू मशीन। मेमोरी से हम उस वैल्यू को मूव कराएंगे और अपने मशीन रजिस्टर में, जो भी हमने रजिस्टर वहाँ पे यूज कर रहे हैं, वहाँ पे उस वैल्यू को हम मूव करा देंगे। सेकेंड हमें इंक्रीमेंट कराना है, तो जिस रजिस्टर में वैल्यू हमारे पास स्टोर हुई है उस रजिस्टर में हम क्या करेंगे, R1 implies to R1 plus 1, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे, जो नई वैल्यू जनरेट होके आई है वो मेमोरी के अंदर दोबारा से स्टोर हो जाएगी। डेट मीन्स कि सपोज की वैल्यू हमने मेमोरी से जो वैल्यू उठाई है वो 1 उठाई थी, रजिस्टर R1 में उसको हमने मूव करा दिया, फिर रजिस्टर R1 को हमने इंक्रीमेंट करा दिया 1 से, तो अब अपडेट होकर रजिस्टर R1 में वैल्यू आपकी 2 हो गई है, और अब हम उस 2 वैल्यू को वहां से उठा के मेमोरी के अंदर स्टोर करा देंगे। सो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं, अब फर्स्ट मूव करा रहे हैं, फिर ऐड करा रहे हैं, फिर मूव करा रहे हैं, ठीक है। और सपोज कि अगर ये जो आपके पास हमारे पास जो हमारे पास ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस है, ये हमें 10-12 बार या नंबर ऑफ टाइम्स इस इंस्ट्रक्शन को हमें यूज करना है, तो वहां पे अब क्या होगा कि अगर या तो हम अगर सेम ही बार 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 मूव R1 मूव F1 या लोकेशन को हम R1 में मूव करा रहे हैं, तो वो वाली आपका इंस्ट्रक्शन देन एडिशन होगा, उस इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर मूव कराएंगे दोबारा, फिर एक बार फिर दोबारा। तो जो रिपीटेटिव यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस रिपीटेटिव वर्क को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोज या फंक्शंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम क्या दे देंगे, अपने मैक्रो का नाम INCR, डेट इज इंक्रीमेंट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेक्सिकल एक्सपेंशन द मैक्रो कॉल INCR। अब ABARAG कैन लीड टू द जनरेशन ऑफ मूव ऐड और मूव इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस टू इंक्रीमेंट ए बाय द वैल्यू ऑफ बी यूजिंग ARAG टू परफॉर्म द अर्थमेटिक। मींस यहाँ पे आपके पास कोई भी 2 वैल्यूज थी, कोई भी वैल्यू है उसको हमने मूव करा दिया, उसके बाद उसको ऐड करा के फिर मूव करा रहे हैं, तो जो टू इंक्रीमेंट ए की वैल्यू हम किससे इंक्रीमेंट करा रहे हैं, बी के साथ, और उसको फिर हम ARAG के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं सिमेंटिक एक्सपेंशन के केस में, तो यहाँ पे यूज ऑफ सिमेंटिक एक्सपेंशन के कैन इनेबल द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस टू बी अडेप्टेड बाय द टाइप ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कुछ आपका मैक्रो का क्रिएशन है कि किस तरीके से हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं। मैक्रो देन यहाँ पे आपका नेम ऑफ मैक्रो जो कि हमने क्या डाल दिया, INCR। जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे आपका नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड वन क्या है कि यहाँ पे हमने मैक्रो के अंदर जो भी वर्क करना है वो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डाल दी, A1 comma data, A2 comma data, A3 comma data, और मैक्रो एंड कर दिया हमने। सो ये तो आपका होगा मैक्रो को डिक्लेरेशन, देखिए किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं मैक्रो को। उसके बाद अगर मैक्रो नेस्टेड कॉल वाली बात है कि मैक्रो के अंदर मैक्रो को कैसे कॉल कराते हैं, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे मैक्रो, मैक्रो ने देन हमने ये मैक्रो क्रिएट कर दिया अपना जो कि हमने यहाँ पे ऊपर किया हुआ था। अब हमारे पास प्रोग्राम है, तो हमने फर्स्ट क्या किया, INCR को कॉल कर लिया यहाँ से। जब INCR को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला वर्किंग आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वर्किंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगी, देन दोबारा से INCR को कॉल किया, फिर वो वर्किंग आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगी, और उसके बाद फिर दोबारा फंक्शन चलेगा, और लास्ट में आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है जितने भी आपके प्रोग्राम में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ऐसे ही हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना है जो कि आपके पास मैक्रोज के अंदर, अगर आपको जैसे फंक्शंस के अंदर आप लोग पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही अगर मैक्रोज के अंदर अगर पैरामीटर पास करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्रो SAITM एंड ARG। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन की हम SAITM एक आपका मैक्रो का नेम है जिसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। अब जब आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि A1 एंड ARG, A2 एंड ARG, A3 एंड ARG, मीन्स यहाँ पे हमने जो भी आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे अपने वैल्यूज के अंदर। अब SAITM डाटा 1 हमने क्या किया, SAITM डाटा 1 हमारे पास यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे ARG है यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, A1 डाटा 1, A2 डाटा 1 और A3 डाटा 1,
ऐसे ही फिर आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर दोबारा से कॉल हुआ हमारे पास यहाँ पे डाटा टू, तो अब यहाँ पे डाटा टू मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, A1 डाटा टू, A2 डाटा टू और A3 डाटा टू, और उसके बाद आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी यहाँ पे एंड कंप्लीट, आपकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे क्या है कि मैक्रो डेफिनेशन एंड कॉल, बेसिकली हमने जो जितना भी अभी तक बात किया वो सारे के सारे आपने देख लिया कि हमने मैक्रो कैसे क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मैक्रो को हमने डेफिनेशन एंड कॉल किस तरीके से हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं, क्या कैसे कॉल करते हैं, तो वो यहाँ पे एक मैक्रो डेफिनेशन इज एनक्लोज्ड बिटवीन अ मैक्रो हेडर स्टेटमेंट एंड मैक्रो एंड स्टेटमेंट, ठीक है। मैक्रो डेफिनेशंस आर टिपिकली लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, अ मैक्रो डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ अ मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, वन और मोर मॉडल स्टेटमेंट, मैक्रो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। द मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द नेम ऑफ अ मैक्रो एंड द नेम ऑफ काइंड्स ऑफ इट्स पैरामीटर, इट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, ये आपके पास कोई भी नेम होगा उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन होगी, वेयर अपीयर्स इन दिस निमोनिक फील्ड ऑफ एन असेंबली स्टेटमेंट एंड फॉर्मल पैरामीटर हमारे पास एंड आर्गुमेंट के बाद आपके आपके पास ये होंगे। उसके बाद मैक्रो कॉल इज कॉल्ड बाय राइटिंग द मैक्रो नेम इन द निमोनिक फील्ड, मैक्रो कॉल हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास मैक्रो को जब हम कॉल कर रहे होंगे उनको किस में डाल देंगे, कर्ली ब्रेसिस पे, जहाँ पे आपके पास वेयर एन एक्चुअल पैरामीटर रिसेंबल्स एन ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन इन एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके पास जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब जो मेन चीज है वो क्या थी कि हम लोगों ने जो बात की है कि मैक्रो के रिगार्डिंग बात की, मैक्रो क्यों यूज करते हैं हम, और बेसिकली एक चीज ये भी है कि अगर आप मैक्रोज को अगर हम लोग यूज ना करें तो आपका जो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए हम लोग मैक्रोज जो है या फंक्शंस है इनका यूज करते हैं। अगर हमें कोई प्रोग्राम रिकर्सन से रिलेटेड करना है तो वो प्रोग्राम अगर हम विदाउट फंक्शन के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि नंबर ऑफ जो कोड है या लेंथ ऑफ द कोड है वो बढ़ जाती है हमारे पास, और वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में भी होती है। अगर हम मैक्रोज का यूज नहीं करते हैं तो जो लेंथ ऑफ द कोड है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर कोई अगर वहाँ पे इश्यू क्रिएट भी होता है तो उस पर्टिकुलर इश्यू को या पर्टिकुलर एरर को सर्च आउट करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जो मेन चीज देखी वो क्या था कि हमारे पास मैक्रो डेफिनेशन थी, मैक्रो का नाम जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी भी है कि मैक्रो डेफिनेशन इज एनक्लोज बिटवीन अ मैक्रो हेडर स्टेटमेंट एंड अ मैक्रो एंड स्टेटमेंट, इसके अंदर आपका मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट होगी और प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो वही चीजें यहाँ पे हमने की है कि मैक्रो है, मैक्रो का नेम है, उसके अंदर अपने जो भी इस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कितनी भी हो सकती है आपकी। उसके बाद हमने मैक्रो को क्या कर दिया यहाँ पे मैक्रो एंड स्टेटमेंट से क्लोज कर दिया अपना। उसके बाद अगर हमें मैक्रो के अंदर मैक्रो को कॉल कराना है तो आपके पास क्या होगा कि मैक्रो INCR, और ये आपके पास हो जाएगा ये कंप्लीट जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था वही चीज। उसके बाद यहाँ पे INCR को हमने कॉल करा लिया और फिर हमने INCR को यहाँ पे अगेन कॉल करा लिया। सो एक मैक्रो कॉल विदाउट आर्गुमेंट हो गया, जहाँ पे हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो हमने डायरेक्ट मैक्रो का नेम मैक्रो को कॉल कराया और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे विदाउट एनी चेंजेस, मीन्स आपके पास जो आपको फिक्स्ड है आपका प्रोग्राम या आपका मैक्रो के अंदर जो वैल्यू फिक्स्ड है वही आपके आउटपुट में आएगी उसके अकॉर्डिंग जितनी बार भी आपने कॉल किया है उसको। उसके बाद जब हम पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर, तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ द मैक्रो देन पैरामीटर पास किए हुए हैं, और उसके बाद आपके पास ये वाला SCITM डाटा वन। सो जब डाटा वन पास होगा मेरे पास यहाँ पे एंड आर्गुमेंट की जगह, तो उसको डाटा वन मिलेगा, डाटा वन मिलेगा तो यहाँ पे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी उन सभी इंस्ट्रक्शन में आपका वो पैरामीटर क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। सो मैक्रोज में और आपके फंक्शन में बेसिकली एक वे ऑफ क्रिएशन में डिफरेंस है, बाकी लॉजिक हमारे पास मैक्रोज का फंक्शन का सब रूटीन का प्रोसीजर्स का सेम ही है कि हम क्या करते हैं जो रिपीटेटिव कोड है हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको हम कम करते हैं इन चारों फंक्शनल्स के अंदर भी अंदर है। सो मैक्रो एक्सपेंशन, मैक्रो कॉल लीड्स टू मैक्रो एक्सपेंशन, ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपेंशन द मैक्रो कॉल स्टेटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ सीक्वेंस ऑफ असेंबली स्टेटमेंट्स। जब मैक्रो कॉल को हम मैक्रो कॉल्स जब भी कॉल करते हैं वहां पे, तो वो क्या होते हैं मैक्रो एक्सपेंशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब भी
क्योंकि जब भी आपने मैक्रो को कॉल किया है, तो मैक्रो जब कॉल करने के बाद अपने मेन उस पर पहुंचेगा, अपने सीक्वेंस पर, तो वहां पे उसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो उसको एग्जीक्यूट करानी है। और जो इंस्ट्रक्शंस उसको एग्जीक्यूट करानी है, तो वो क्या है, एक एक्सपेंशन है हमारे पास मैक्रो का, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारे अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एंड द स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैक्रो एक्सपेंशन। ईच एक्सपेंडेड स्टेटमेंट इज मार्क्ड विद प्रेसिडिंग प्लस प्रेसिडिंग लेबल इट्स लेबल फील्ड। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, जितनी भी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे जितने भी मैक्रोज को हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, एक्सपेंशन हो रहा होगा जितने भी मैक्रो का, वो सारा का सारा किसके साथ होगा, प्लस साइन के साथ अपेंड होगा या प्रेसिडिंग होगा। दो जो कंसर्निंग मैक्रो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन टाइम कंट्रोल फ्लो और लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन। सो एक्सपेंशन टाइम कंट्रोल फ्लो में हमारे पास दो यहाँ पे हमारे पास मैक्रो एक्सपेंशन के कंसर्न है। फर्स्ट आपके पास एक्सपेंशन टाइम कंट्रोल फ्लो, जो कि हमारे पास यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि ऑर्डर इन विच मॉडल स्टेटमेंट्स आर विजिटेड ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपेंशन। मींस जब भी आपके पास मैक्रो को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, तो यहाँ पे वो मॉडल जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, वो उनके जितने भी जिस ऑर्डर में हमने स्टेटमेंट्स को वहाँ पे मैक्रो एक्सपेंशन के जिस टाइम पे विजिट करेंगे, जितने भी मतलब मॉडल स्टेटमेंट्स को जब भी आप लोग वहाँ पे विजिट करोगे ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपेंशन, तो उनका ऑर्डर वहाँ पे उसको रखना पड़ेगा। दूसरा है आपके पास लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन, तो लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड टू जनरेट एन असेंबली स्टेटमेंट फ्रॉम अ मॉडल स्टेटमेंट। सो लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जितनी भी आपके असेंबली स्टेटमेंट होगी, जो भी आपके लो मॉडल स्टेटमेंट से है, उसको वो यहाँ पे मॉडल स्टेटमेंट से असेंबली स्टेटमेंट को जनरेट करेगा। सो आज की क्लास में आपके पास मैक्रो एक्सपेंशन का था, मैक्रोज था, मैक्रो एक्सपेंशन था, मैक्रो कॉल्स थी। तो ये आपका पास जो यूनिट नंबर 2 है उसका फर्स्ट टॉपिक है, और एक छोटा टॉपिक में भी आपका यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव के हिसाब से 2 नंबर में, यहाँ पे 2 से 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है।